श्री रामचंद्र प्रसाद सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय जी। मैं इस बिल का समर्थन करता हूं, इसके इंटेंट का भी और इसके कंटेंट का भी। माननीय राज्य मंत्री जी जब अपनी बात को रख रहे थे तो सब गृह मंत्री जी ने राज्य मंत्री तो उन्होंने जिस बात को रखा जो सबसे अच्छा है कि NIA बिल्कुल नया भी एजेंसी है, लेकिन इनका जो फाइनल जो परफॉर्मेंस है, जो कन्विक्शन रेट है 92% का, ये इसलिए बहुत ज़रूरी दिखने में लगता है कि आखिर ये है क्या। ये तो है ही नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। तो आज जिसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं, पुलिस स्टेट का सब्जेक्ट है, लेकिन अगर स्टेट्स में देखें तो क्राइम का प्रोफाइल और क्राइम की जो सब चीज़ें बहुत बदल गया है। और जो वहाँ पर हमारा जो इन्वेस्टिगेशन के जो लोग होते हैं उन्हीं को लॉ एंड ऑर्डर भी देखना पड़ता है, तो उनके पास बहुत दबाव रहता है और इसके चलते इन्वेस्टिगेशन सफ़र करता है। और इसका रिजल्ट क्या होता है कि जो हमारा कन्विक्शन रेट होता है वो कम होता है। और इसीलिए जो अपने देश में जो इतने गंभीर बड़ी बड़ी घटनाएं घटी और इस एजेंसी का जो गठन किया, तो इसने अपने अस्तित्व को प्रूव कर दिया है अपने परफॉर्मेंस। और अभी जो अमेंडमेंट लाया जा रहा है इससे इनको और ताकत मिलेगी। इसके साथ ही जो सबसे जरूरी है इन्वेस्टिगेशन में कि फॉरेंसिक के बारे में, बैलिस्टिक एक्सपर्ट के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में जितना ज़्यादा से ज़्यादा हमारे देश में अच्छी अच्छी संस्थाएं होंगी उतना हमारा जो है इसमें कन्विक्शन का रेट बढ़ेगा। आखिर जो भी हम ये बनाते हैं इसका मतलब हमारा क्या होता है, एक डिटरेंस पैदा करना कि अगर कोई इस तरह क्राइम करेगा, इन्वेस्टिगेशन होगा तो निश्चित रूप से सजा होगी। तो ये जो आज अमेंडमेंट किया जा रहा है, और सबसे बड़ी बात क्या है, ये जो साइबर का क्राइम है, आप हमारे देश पर कोई सामने से कोई अटैक नहीं कर सकते। अटैक कहाँ करेगा, जो हमारा पूरा का पूरा जो सिस्टम है जो सब कंप्यूटर बेस्ड है, आज अगर वहाँ कोई अटैक करता है तो सारा का सारा हमारा सिस्टम ध्वस्त हो जाता है। टेररिस्ट तो एक आदमी को मारेगा, एक किसी जगह को अटैक करेगा, लेकिन हाँ हमारे उसने किसी एक सिस्टम को अटैक कर दिया तो सारा का सारा ध्वस्त हो जाएगा। इसलिए इसमें जो साइबर को भी लाया गया है वो बहुत अच्छा काम है। और एक और जो है जो हमारे वेपन्स के बारे में बात लाई गई, जो प्रोहिबिटेड वेपन्स है, इसमें भी मेरा एक सलाह होगा। अभी हाल में देखें कई जगह इन्वेस्टिगेशन हुए इसमें, खास करके AK-47 और तरह के जो वेपन्स होते हैं, इसमें जहाँ ये जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज है वहाँ पर भी ध्यान देना पड़ेगा। और ख़ास करके जहाँ पर कि हमारे वर्कशॉप हैं, जहाँ हमारे आर्म्स के रिपेयर्स होते हैं, मालखाना होते हैं, लोग इसको बहुत गंभीरता से नहीं लेते, लेकिन होता क्या है किसी वेपन्स में अगर कोई एक खराबी आ गई, रिपेयर्स के लिए जाता है, वहाँ वो रखा हुआ है, जो भी इस तरह के एलिमेंट है नीचे लेवल पर कनाइव कर करके उस स्पेयर पार्ट को लेकर करके वो चीज़ को बना लेता है, और फिर जो बिल्कुल किसी काम के लायक वेपन नहीं था वो फिर जा करके मार्केट में बहुत ही घातक होता है। तो इस चीज़ को भी ध्यान में लेना चाहिए। और निश्चित रूप से आज जब अमेंडमेंट हो जाएगा, पास तो हो ही जाएगा, इससे जो हमारी NIA है उसकी ताकत बढ़ेगी। और NIA को इसलिए भी हम बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि जो गया में जो बोधिया का ब्लास्ट हुआ था उसमें भी बहुत इफेक्टिव ढंग से उसमें जो जांच हुआ और उसमें लोगों को सजा हुई। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी।